हेलो, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर। सर करते हैं लास्ट क्लास। सर कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि एक वेट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो देखो, ये वेट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वो इक्वेशंस हैं, इनको याद रखना है आपको। दो केस बनते हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, लॉ ऑफ वेट क्या होता है कि अपना हर एक ऑब्जर्वेशन का एक वेट होता है। जिसका ज्यादा वेट होता है वो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, ठीक है? उसके ज्यादा चांस होते हैं ट्रू वैल्यू के नियर होने के, जिसका ज्यादा वेट होता है। तो दो केस बनते हैं आपका कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सभी का वेट क्या है, W इज इक्वल टू 1, जो आपका ये फर्स्ट केस है कि आपका सभी रीडिंग का वेट क्या है, 1 1 1 1 है। उस केस में आपको तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहला है ES। ES है आपका प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, जिसका फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ रेसिडुअल एरर का स्क्वायर। वी क्या है? रेसिडुअल एरर। वो कैसे निकालते थे हम? हर रीडिंग में से मीन को माइनस करेंगे तो वी आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करके जो समेशन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड बाय एन माइनस वन। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इक्वेशन थी हमारी, जब केस फर्स्ट है जिसमें सभी रीडिंग का W इज इक्वल टू 1 है, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, एस का मतलब है सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो ये इक्वेशन है। उसके बाद है कि आपको मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालना है मीन का, तो प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट में समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल एरर डिवाइड बाय एन इनटू एन माइनस वन। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप क्या करोगे, सिंगल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दोगे, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दोगे अंडर रूट एन से, तो आपका निकल जाएगा ये प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। इसमें थर्ड पॉइंट है आपका कि अगर आपको प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन निकालना है किसी वेट W के लिए, W इज इक्वल टू 4 5, कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल में दिया होता है कि फाइंड आउट प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट इतना। तो उस इक्वेशन में आपको देखो, इक्वेशन में क्या ESW लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल ऑब्जर्वेशन विद वेट प्लस माइनस 0.6745, ये तो कांस्टेंट है सभी इक्वेशन में, अंडर रूट यहां पे समेशन जो ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर जो होता था ना, उसके साथ W और है, यानी कि जो आपका v निकलता था उसका v स्क्वायर किया, फिर उसमें मल्टीप्लाई बाय w किया, जो पूरे कॉलम का समेशन आया वो यहाँ आ जाएगा, समेशन ऑफ w v स्क्वायर डिवाइड बाय w n माइनस 1। w है एक गिवन वेट, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो प्रोबेबल एरर है उसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट w से, तो आपका ही निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड केस है आपका, डिफरेंट मेजरमेंट है डिफरेंट वेट। आपने ए और बी को 10 बार मेजर किया, अलग अलग 10 रीडिंग आई और 10 के 10 रीडिंग का वेट भी अलग अलग है, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं, इसमें देखो सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो प्रोबेबल एरर है उसमें केवल जो समेशन आपका रेसिडुअल एरर है वहां पे W आ गया है, W v2, ठीक है। और मीन में अगर आपको निकालना है तो नीचे समेशन ऑफ W आ गया है, ठीक है, या फिर कह सकते हो सिंगल एरर को डिवाइड बाय समेशन ऑफ W अंडर रूट। और अगर आपको किसी वेट WX के लिए सिंगल ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो 0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ W v2 डिवाइड बाय WX n-1। एक बार और, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी इसमें। ऑब्जर्वेशन होती है कि आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, एंगल मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम एरिया कुछ भी मेजर कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन हो गई। उस ऑब्जर्वेशन को आपने नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया और हर टाइम अलग रीडिंग आ रही है, तो उसमें कोई ना कोई एरर है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालना है, लिमिट्स निकालनी है एरर की, फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन, फॉर मीन और फॉर गिवन वेट W। तीन केस बनते हैं, ठीक है, तीन पॉइंट्स बनते हैं और दो केस है हमारे पास। एक केस वो है जिसमें हर रीडिंग का वेट सिंगल है, 1 कॉन्स्टेंट है, और दूसरा केस बनता है कि हर रीडिंग का वेट अलग है, किसी का 2 है, किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेट का मतलब है कि जिस ऑब्जर्वेशन का वेट ज्यादा है उसके ज्यादा चांस है ट्रू वैल्यू के नियर होने के, उसमें लेस एरर है, ठीक है। तो तीन चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए आती हैं कि आप ES निकालो, EM निकालो, ESW निकालो। दोनों केस में आपका दिया हुआ है, लेकिन
डिफरेंट मेजरमेंट है, डिफरेंट वेट वाला बहुत कम आता है, ठीक है, और आपका ज्यादातर जो आता है न्यूमेरिकल वो कॉन्स्टेंट डब्ल्यू वाला आता है, तो इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर तो समझ में आ जाए. क्वेश्चन नंबर वन, ए सेट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए क्वांटिटीज वर एज फॉलोस. एक पॉइंट को मेजर किया गया जो फर्स्ट कॉलम है एक्स, एक बार वो 623 मीटर, 624, 625, 627, 629, 30, 31, 32, ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन ली गई, आपके 9 के 9 बार अलग ही अलग आ रहा है आपका मेजरमेंट, और सबका वेट दिया गया 2, 5, 7, 13, 19, 15, 8, 2, 1. अब आप ये बोलोगे सर ये वेट कैसे देंगे, आप प्रैक्टिकली आप दो पॉइंट्स के बीच में रीडिंग मेजर कर रहे हो, तो वेट कहाँ से निकल के आया? ये वेट है ना जो सर्वेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, की और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने इस बार थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी एरर रिमूव कर दी है तो इसका वेट मैं बढ़ा देता हूँ. एक मतलब वर्बल ही होता है कि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, ठीक है. तो रीडिंग से इनका वेट दिया हुआ है, तो अब हमें क्योंकि हर रीडिंग का अपना अलग वेट है, तो हमें डब्ल्यू एक्स निकालना होगा पहले, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हमने वेट को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो एक कॉलम आ गया. अब निकालना हमें एमपीवी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मैंने बता चुका हूँ सीरीज ऑफ रीडिंग में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन होता है, ठीक है, बट अगर वेट नहीं दिया हुआ है तो मीन कैसे निकालते हो आप? समेशन ऑफ रीडिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट यहाँ पे कैसे मीन निकालोगे क्योंकि वेट दिया हुआ है, ये याद रखना है आपको, मीन निकालते वक्त विद डिफरेंट वेट समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, इस तरीके से आपको वेट निकालना है, सॉरी मीन निकालना है, एमपीवी आपको मिल गया. अब निकालना है वी, वी स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका रेजिडुअल एरर, यानी कि मीन में से माइनस करो रीडिंग को तो आ जाएगा आपका वी, ठीक है. अब यहाँ मीन क्या है 624, में से माइनस किया 623, जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दिया तो 15.37 आ गया, ठीक है. कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो उसमें, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक दिखाई दे रही है, 624.92 क्या है मीन, उसमें से सेकंड रीडिंग को माइनस करेंगे तो 2 point something आएगा, और 2 point something का स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2.53 दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है. लेकिन होगा ऐसे ही कि आपको x बार में से x माइनस करना है, फिर इसको स्क्वायर करना है तो v स्क्वायर आपका आ जाएगा. तो v स्क्वायर में आपको w का मल्टीप्लाई करना है और उस कॉलम का पूरा समेशन कर लेना है, समेशन ऑफ w v स्क्वायर. इसमें पूछा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, मीन. मीन कैसे निकालना है, समेशन ऑफ w x डिवाइड बाय समेशन ऑफ w, और उससे मीन आ गया 626.92, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. नेक्स्ट पूछा है कि प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट, तो उसका फॉर्मूला बी केस में जब आपका डिफरेंट डब्ल्यू हो तो ई एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 समेशन ऑफ डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, आपका हमेशा एरर आएगा प्लस माइनस में, तो एरर आ रहा है प्लस माइनस 3.55 मीटर, ठीक है, यानी कि हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में इतना एरर हो सकता है, प्लस माइनस या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है 3.55 मीटर. तो दो चीजें हाँ बताओ सर, ये वी स्क्वायर वाले कॉलम में 15.37 कैसे आया सबसे पहले वाले में? हाँ ठीक है, देखो वी का मतलब आपका रेजिडुअल एरर, जो हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी आ रही है 626.92, हाँ सर 623 उसमें से माइनस कर दिया, हाँ जो आया उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है. और हो सकता है कि शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तब भी हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं एक बार, 626.92 आ रहा है मीन, माइनस 623 ये आ गया 3.92. अब इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 15.36 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करके 37 कर लिया, ठीक है. ठीक है सर, वो मैंने कल ही वो 626.9 ही ली, ठीक है सर, ओके. है ना, लेकिन सेकंड वैल्यू रीडिंग बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है. सेकंड वैल्यू रीडिंग को हम देखें तो
26.92 माइनस 624 2.92 का स्क्वायर किया तो 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन पर करना इसी तरीके से आपको, ठीक है। एनपीवी में से माइनस हर एक रीडिंग को करते जाएंगे तो रेजिडुअल एरर आता जाएगा, रेजिडुअल एरर को हम शो करते हैं हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई कैलकुलेट करके, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और आपका प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पूछा है इसने PE, probable error of MPV, यानी mean, EM कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था आपका प्लस माइनस 0.6745 ब्रैकेट में समेशन ऑफ डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू एन माइनस वन, या फिर सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो एरर है उसको डिवाइड कर देंगे हम अंडर रूट समेशन ऑफ डब्ल्यू। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में एरर कितना आ रहा है 0.418। आप खुद ही देखो कि जो सिंगल रीडिंग में जो एरर आता 3.44 मीटर लगभग आता प्लस माइनस, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में एरर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन में एरर कितना आ रहा है प्लस माइनस 0.418, तो एरर कम ही आएगा क्योंकि ये तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। डी पूछा हुआ है इन्होंने कि मोस्ट प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है 4 का मतलब है डब्ल्यू एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आपका वो इक्वेशन है समेशन ऑफ डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय डब्ल्यू एक्स एन माइनस वन, और इससे आपका निकल जाएगा प्लस माइनस 1.778 मीटर। तो ये इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आता है, उसमें तीन चीजें पूछी जाती है, तीन या चार चीजें, ऑब्जर्वेशन एरर ऑफ प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, मीन ऑब्जर्वेशन, और आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और आपका प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन वेट। ये चार चीजों के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, और वेट वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं है जिसमें डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट वेट गिवन हो, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। आता है हमेशा कि आपका वेट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो डब्ल्यू का कोई रोल ही नहीं होगा फिर उसमें जितने भी इक्वेशंस होगी। ईशान क्या है? ईशांक? यस सर। ईशांक समझ में आया ये? यस सर। नावाज से थोड़ा लग नहीं रहा है समझ में आया? हाँ। पूछूं मैं कुछ तुमसे? बताओ जरा इसमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकाली है हमने, जिसमें हमें सीरीज दी हुई है एक ऑब्जर्वेशन की और उनका वेट अलग अलग दिया हुआ है। एवरेज एवरेज निकाला। कोई है किसी को इसमें डाउट हो तो या तो मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर आगे चलते हैं। किसी में डाउट हो तो बता दो, मैं दोबारा से बता दूं, किसी भी चीज में डाउट हो कि यहाँ पे ए क्यू ले लिया, यहाँ पे डब्ल्यू क्यू ले लिया, यहाँ पे वी का मतलब क्या, कुछ भी डाउट हो पूछ ले, वरना फिर आगे चलते हैं। सर थोड़ा सम अप कर ले। सर सम अप कर ले एक बार। ठीक है, एक बार रिपीट कर दो उसको। यस सर। देखो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको रीडिंग्स दी होंगी और उन रीडिंग्स का आपको मोस्ट प्रोबेबल एरर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, ये सब निकालना है। उसको निकालने के लिए दो केस होते हैं, जिसमें एक केस है उसमें वेट कांस्टेंट है, मैंने w = 1 दिया, उससे w = 2 हो, सभी का 2 हो तब भी w का कोई रोल नहीं आता फॉर्मूलेज में। w = 4 हो, सभी रीडिंग का 4 वेट हो तब भी आपको w को नहीं लेना है। लेकिन अगर डिफरेंट वेट है हर ऑब्जर्वेशन का तब आपको एक केस बी लेके चलना है। तो केस ए वन में, ए में ये इक्वेशंस है आपके, बी में ये इक्वेशंस है, ठीक है। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल हमने लिया था जिसमें हमारे पास नौ रीडिंग्स है, नौ रीडिंग्स का हर एक रीडिंग का अपना अलग अलग वेट है। अब इसमें पूछा हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम बोलते हैं मीन को। अगर हमारे पास वेट नहीं होता तो मीन कैसे निकालते, समेशन ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से हम निकालते हैं। बट अगर डिफरेंट वेट दिया हुआ है तो मीन निकालने का तरीका बदल जाता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू इनटू एक्स,
पहले डब्ल्यू एक्स निकालना है, फिर उसका सम करना है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, मीन ऐसे निकालना है। रेजिडुअल एरर का फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा से, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, या फिर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो है माइनस तो हट ही जाएगा, है ना। अगर आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्वांटिटी माइनस में आती है तो क्योंकि हम वी का स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एमपीवी में से माइनस करो तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में से माइनस करो तो एमपीवी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा रेजिडुअल एरर का हमने स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यूज आई उसमें डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डब्ल्यू वी स्क्वायर आ गया। अब ये सारे क्वांटिटी जो है कॉलम के हेड जो है ये हमें अपनी इक्वेशंस में चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमने निकाल लिया इस तरीके से, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन में जहां पर आता है हमारा समेशन ऑफ रेजिडुअल स्क्वायर, अब आ रहा है हमारे डब्ल्यू वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। Probable error of mean, किसी numerical में लिखा होगा कि mean निकालो, या probable error of mean निकालो, किसी numerical में लिखा होगा probable error of MPV निकालो, same चीज है, ठीक है। MPV क्या होता है, most probable value, उसको कैसे निकालते हैं, mean की help से निकालते हैं, ठीक है। D में पूछा हुआ है probable error of single observation weight 4, यहाँ पे W की value नीचे वाले में WX में 4 हो जाएगी, ऊपर समेशन में तो W का मल्टीप्लाई हो ही रहा है आपका रेजिडुअल एरर, ठीक है। ये यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लीनियर मेजरमेंट, ये लंबा टॉपिक है, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कोई लीनियर डायमेंशंस मेजर करना अर्थ की सरफेस पे, कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना। जरा मेरे को बताना, जरा मैं पेन चल रहा है स्क्रीन पे, इसी तरह अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बताएगा, मेरे पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं कैसे मेजर करूंगा ए और बी का, है कोई तरीका अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो, कोई बताए मेरे को। सर हैंड से, किससे सर, यूज ऑफ हैंड करेंगे, हैंड हैंड क्या होता है, थ्रेड ले सकते हो या स्टेप्स काउंट कर सकते हो, है ना। पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, या तो आप हाथ होता है ना, हाथ या फिंगर को, फिंगर आप ऐसे डायगोनली मेजर करते हो। यस सर, एक बिलान बोलते हैं, बिलान बोलते हैं क्या बोलते हैं, है ना, एक बिलान दो बिलान ऐसे, या फिर स्टेप आप काउंट कर सकते हो, है ना। तो लीनियर मेजरमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर करना है। अब वो दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपने के पास इंस्ट्रूमेंट है जो ए पॉइंट पे रखा, फिर बी पॉइंट पे रखा और डिस्टेंस मेजर हो गई, ये होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये होता है कि आपने किसी और तरीके से मेजरमेंट किया, मेजर को छोड़ किया और फिर उसको कैलकुलेट करके आपका वो क्वांटिटी आ गई। जैसे कि एक ट्रायंगल में आपने एक एंगल मेजर किया और एक वर्टिकल हाइट मेजर की, और मैंने आपसे पूछा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर बताओ कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन से मेरे को डिस्टेंस बता दोगे हॉरिजॉन्टल, तो वो इनडायरेक्टली हो गई। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट हो गई दूसरी क्वांटिटी पे, है ना, तो वो होता है इनडायरेक्ट। और एक डायरेक्ट होता है डायरेक्टली ये बी पॉइंट पे हमने रखा इंस्ट्रूमेंट को और मेजर कर लिया टेप से, चेन से, किसी और से, ठीक है। तो डिस्टेंस आर एक्चुअली मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यूजिंग चेन और टेप मेजरमेंट और रेंजिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी दो आते हैं फिर, मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस और इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट में आते हैं आपका ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्टिकल में किसी टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है, हम कोई एंगल या कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, कैलकुलेशन से जो आपको मेजर करना था ये भी वो मेजरमेंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेथड से हम क्या करते हैं कि हम किसी वेव को, लाइट्स को हम, या रेडियोएक्टिव भी नहीं होते, मैग्नेटिक वेव्स को हम रिफ्लेक्ट करके हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ए और बी पॉइंट पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है, एक ही पॉइंट से ए पे रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट और आपने कुछ डिस्टेंस मेजर करी और कैलकुलेशन करके आपको वो मेजरमेंट आ गया जो आपको करने थी, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट, जो दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑप्टिकल
मींस लेंस की हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से। अब हम बात करें डायरेक्ट मेजरमेंट की, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट में दो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट में हम लीनियर में कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है आपको दिखाई दे रहा है पैसिव, उसके बाद सेकंड है आपका मेजरमेंट विद पैसोमीटर, मेजरमेंट विद पैसोमीटर। स्लाइड चेंज नहीं हुई अभी, वही स्लाइड है लीनियर वाली। हो गई हो गई, जो डायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट आपको एआरबी के जो डिस्टेंस मेजर करना है उसके मेथड्स पांच है, पेसिंग, पैसोमीटर, पेडोमीटर, ऑडोमीटर और चेनिंग। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मतलब इसमें कुछ बताने वाला कुछ है नहीं, थ्योरी है, पढ़ोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। मैं अभी एक बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आपका पेसिंग आता है, पेसिंग यानी कि आप स्टेप काउंट करते हो, किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको स्टेप काउंट करना होता है। लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज हो गई कि टोपोग्राफी इफेक्ट करती है इसकी एक्यूरेसी को, ठीक है। कहीं पे ढलान है, कहीं पे ऊंचाई है, तो वहां पे आपकी स्टेप की एक्यूरेसी को वो इफेक्ट करती है। ऊपर से आपको स्टेप्स बिल्कुल सेम साइज के आपको चलने होंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। और तीसरा क्या है कि आपको है ना, अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो आप कैसे मेजर करोगे, कितना चलोगे आप, ठीक है। सेकंड है कि आपको है ना जो स्लोप पे डिफिकल्टी होगी चढ़ने में, और ये ग्रफ सर्वे माना जाता है, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, अगर मैंने बोला कि एक किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में लगभग, आपको स्टेप से काउंट करना है, तो आपका जो एरर आ जाएगा ना, आप थोड़ा बहुत स्टेप टेढ़ा मेढ़ा रख दोगे, आप बी पॉइंट नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे आप कहीं और ही पहुंच जाओगे, ठीक है, ज्यादा बड़े डिस्टेंस पर। तो कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी, लेकिन रफली एक आइडिया निकालने के लिए, रफली एक मेजरमेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका फेसिंग, ठीक है। जो ये आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं ना, अगर लिखने को आया एग्जाम में तो इतना ऐसे पॉइंट्स में लिख दोगे बहुत है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन आप इस तरीके से लिख दोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक लाइन लिख दी, मेजरमेंट डिस्टेंस बाय काउंटिंग स्टेप्स, क्या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाद में जो स्टेप्स काउंट करते हैं। एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज है, मेक ए रफली सरफेस क्विक एज पॉसिबल, है ना। ये पेसिंग इस तरह से हम करते हैं। सेकेंड है आपका पैसोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, उसको आपको लेके साथ में चलना होता है, जो काउंट करता है स्टेप्स। आपके मोबाइल में भी आजकल डिवाइस आ गए हैं, मोबाइल में भी होता है जीपीएस, जो आपके स्टेप्स को काउंट कर लेता है। पहले एक ऐसा डिवाइस आता था केवल, जो केवल स्टेप्स को काउंट करता था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि बाद में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, एक स्टेप की लेंथ को नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करके ही आपको डिस्टेंस निकलेगा। उसके बाद है पेडोमीटर। अब पेडोमीटर नंबर ऑफ स्टेप ना करके वो डायरेक्ट डिस्टेंस दे रहा है, यानी वो मल्टीप्लाई भी अपने अंदर ही कर रहा है। छोटी सी स्क्रीन होती थी पेडोमीटर। एक आता है आपको ऑडोमीटर, या फिर इसको हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं, जो आजकल आपके गाड़ी में व्हीकल्स में लगा होता है, जो आपका जो व्हील है उसका जो रिवोल्यूशन है, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर भी कहते हैं, ये आपका आपके व्हील्स में लगा होता है, व्हीकल्स में लगा होता है, जो मेजर करता है मैकेनिकल रिवोल्यूशन ऑफ ए व्हील, और एक व्हील का जो पूरा पैरामीटर वो हमें पता है, और नंबर ऑफ राउंड में कितने किए वो पता है, हमें वो कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट करके हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। तो पांच तरीके हैं आपको लीनियर मेजरमेंट के, एक तो जो आपका हो गया पेसिंग कर्मों को आपको स्टेप्स को काउंट करने, एक हो गया पेडोमीटर इंस्ट्रूमेंट छोटा सा डिवाइस जो आपके स्टेप काउंट कर लेता है, एक होता है पैसोमीटर वो स्टेप को मल्टीप्लाई भी कर देता है नंबर ऑफ स्टेप से डिस्टेंस को, वो पैसोमीटर होता है। ऑडोमीटर जो गाड़ियों में लगा होता है, जो व्हील के एक रेजोल्यूशन को मेजर कर लेता है, नंबर ऑफ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन का पैरामीटर पता है तो उससे डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह क्या होता है, इसको लेके हम जाते रहते हैं जो डिस्टेंस ए और बी के बीच मेजर करने। चलो अच्छा, थोड़ा धीरे कर देता हूँ क्योंकि स्लाइड चेंज होने में टाइम लेता है। आगे आपका ये ऑडोमीटर। यस सर, ठीक है। इस तरह का ऑडोमीटर होता है, या फिर स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं ना।
चेनिंग, ठीक है, नाम से लग रहा है चेनिंग, चेन का यूज होता है, लेकिन जैसे चेनिंग का मतलब है इसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट टाइप यूज कर सकते हैं, चेन एक टेप जो इंची टेप आता है, ठीक है। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मेजर करने के लिए जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो चेन और टेप है। इससे क्या होता है, चेन और टेप की हेल्प से एक रखेंगे एक पॉइंट को, दूसरे पॉइंट रखेंगे और हमें डिस्टेंस मेजर आ जाएगी। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास, छह इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो चेन या फिर टेप, तो एक आपके पास हो गया, उनके भी इमेज भी दिखा दूंगा मैं। एक होता है एरो, एक छोटा सा एरो होता है आपका स्टील का, उसको मार्किंग के लिए, पैग होता है रोड का, वो भी मार्किंग के लिए होता है, रेंजिंग रोड होती है जो रोड लगा देते हैं, ऑफसेट रोड होती है, और एक लंबा होता है। इन सबका यूज क्या होता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये चेन दिखाई दे रही है आपको, यस सर, लिंक्स होते हैं लंबे लंबे, एक या डेढ़ फीट के लिंक्स हैं, दो हैंडल्स हैं, और इन लिंक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक रिंग्स हैं, हर एक लिंक के एंड में एक रिंग है जो इनको ऐड करते हैं। इस तरह की चेन होती है जिसको हम यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। एक हैंडल को ए पॉइंट पे रखेंगे, फिर बी पॉइंट पे जहां तक आपका पहुंचता है चेन वहां रखेंगे, लिंक्स को काउंट कर लेंगे, एक लिंक का हमें पता है कि कितनी लेंथ की होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। ये ऑडोमीटर था आपका, ये पैसोमीटर है। पैसोमीटर और पैडोमीटर में दोनों में डिफरेंस क्या है, पैडोमीटर पहले आता है वो केवल नंबर ऑफ स्टेप बताएगा, और पैसोमीटर क्या बताएगा आपको, स्टेप काउंट करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देगा। इस तरह से आते थे ये पैसोमीटर, और यहाँ पर इसको हैंग कर लेते अपने वेस्ट में। फिर ये स्पीडोमीटर आ गए जो आपके व्हीकल्स में होते हैं। तो ठीक है, आपका पांचवा जो मेथड है लीनियर मेजरमेंट के लिए, फिफ्थ मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट क्या है, चेनिंग। चेनिंग में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आते हैं, जो मैंने पांच इंस्ट्रूमेंट छह बताए, एक पैग हो गया, एक आपका प्लम बोर्ड हो गया, एक चेन हो गया, टेप हो गया, इन सबको एक तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हम बात करेंगे चेन की, और चेन से हम जो भी मेजरमेंट बोलेंगे उसको हम बोलते हैं चेन सर्वे। याद होगा जब हम क्लासिफिकेशन किया था सर्वेइंग का बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पे आ गया चेन सर्वे, तो यही है चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में हम चेन का यूज कर रहे हैं। चेन के पांच टाइप की होती है हमारी, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैट्रिक, लंबर, इंजीनियर, रेवेन्यू, स्टील बैंड और बैंड। बाद में आता है सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, आता है टेप, उसके हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है एरो, रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, पैक्स, प्लम्बर, जैसे मार्किंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जब आप ए बी सी इस तरह से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, किसी लैंड की सर्वे कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बताया आपको, बस थ्योरी है आपको याद रखनी है। चेन जो होती है सबसे पहले टाइप की मैट्रिक होती है, जो माइल्ड स्टील की बनी होती है, जिसका डायमीटर होता है 4 mm, और जो अवेलेबल होती है 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, जिसमें 100 लिंक होते हैं, ठीक है। डेंटर चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है, इसमें 100 लिंक होते हैं, एक लिंक होता है आपका 0.6 फीट का, लिंक का मतलब समझ रहे हो जो लंबा वाला लिंक है, फिर वो एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है स्मॉल रिंग से। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की होती है, 100 लिंक होते हैं, एक लिंक 1 फीट का होता है। रेवेन्यू चेन होती है 33 फीट की, 16 लिंक होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल है, इसको समझना थोड़ा। ये जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये है आपका चेन। चेन में सबसे पहले एक आपको गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है हैंडल, उसके बाद एक छोटा लिंक है, और लिंक कनेक्ट है आपस में रिंग से, फिर एक लिंक, फिर लिंक भी सेम कांस्टेंट डिस्टेंस के लेंथ के लिंक्स है, फिर लास्ट में भी एक आपका हैंडल होगा। और आपको यहाँ पर भी एक गोल्डन चिप्स ही दिखाई दे रही है अलग अलग पैकेज में, देखो एक कोना है इसमें दो चीजें निकले हैं, पार्ट इसमें 3 निकले, दिखाई देने को बताएगा तुमको क्लीन कर रहा है। यस सर, चेन में भी गोल्डन कलर के चिप्स निकले हैं, जिनके अलग अलग चिप्स में दो ऐसे मार्किंग है, ये मार्किंग होगा जैसे आप इंची टेप में देखते हो ना, हर एक मीटर का डार्क सा होता है, रेड कलर का मार्क है, उसी तरह से मार्किंग है कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो चुका है, यहाँ पे 2 मीटर हो चुका है, यहाँ पे 3 मीटर हो चुका है,
या यहाँ पर एक को बोलेंगे 5 मीटर, दो को बोलेंगे 10, तीन को बोलेंगे 15 मीटर, इस तरीके से ठीक है। इनको बोलते हैं तालीस, ये जो लिंक है, लिंक एक तो होगा लिंक, ये लिंक हो गया, ये रिंग हो गए जिनसे लिंक कनेक्ट है, और देखिए तालीस हो गए जो हमें बताती है कि कितना डिस्टेंस हो चुका है। डिपेंड करता है कैसी आपके पास चेन है ठीक है। मान लो आपके पास 100 फीट की चेन है और वो हर 10 फीट पे 41 लगी हुई है, तो इस तरीके से हमारी चेन की मेजरमेंट होती है। एक चेन, ये आपकी चेन आपको अपने लैब में देखने को मिल जाएगी। इन चेन में डिसएडवांटेज बताएगा कोई, क्या डिसएडवांटेज हो सकती है इसकी? जो लिंक है ना, देख रहे हो यहाँ पे लिंक कैसे बेंड हो गए हैं, है ना? सर ये बेंड हो जाएगा तो वो कम हो जाएंगे, एक्यूरेसी में एरर देगी सर, ये एरर देगी हाँ। यस सर, लेकिन इसका एक फायदा हो रहा है कि इसको है ना साइड पे ठीक किया जा सकता है। जब सर्वे एक बार देखते हैं ना चेन के सारे लिंक ठीक है, स्ट्रेट है, कोई ज्यादा बेंड है तो उसी को वहीं पे हैमर से ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इतनी एक्यूरेसी तो रहती नहीं है। बिल्कुल आंखों से आपको कैसे दिख जाएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट है ना, है ना, इतनी एक्यूरेसी तो रहती नहीं है। तो फिर भी बहुत ज्यादा फोकस और बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है दो रिंग के बीच में ना गिटार सी बन जाए, मुड़ जाए, ये सब आपको देखना था। लेकिन जो पेसिंग था बिल्कुल आपका रफली सर्वे था, उससे बेटर है आपका चेन सर्वे। और ये भी टेम्परेचर ज्यादा होने पर ये थोड़ा सा इनके डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है मेटल एक्सटेंड होता है तो वो भी हो सकता है एक्सटेंड हो सकता है, हो सकता है कि रिंग जो है थोड़ी सी ओपन हो जाती है जिससे इनकी डिस्टेंस चेंज हो जाती है जहां पे इनका ओपनिंग होती है ठीक है। इसके बाद स्टील बैंड चेन आती है, ये आपका होती है मोर एक्यूरेट, इसकी डिसएडवांटेज है कि टूट जाती है बहुत, तो लाइट मटेरियल की बनी होती है जो 30 से 20 मीटर की होती है। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ चेन्स। ये दोनों स्लाइड अच्छे बताओ, जो एक्टिविटी वहां पे आपको मेरी स्लाइड मिल जाती है या नहीं मिलती? जैसे मैं अभी चलो अभी मैं इसको सेंड करता हूँ एक्टिविटी में, फाइल्स में जाओगे आप, यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ फाइल और डेस्कटॉप। 24 अगस्त नाम से पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ, मुझे बताना आप लोग देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अपलोड होने के दिखाई दे रही है, और ये पीडीएफ जो है ये नो सर, ये एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही फाइल्स में, नहीं सर। अच्छा यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं फिर आपको मैं ओलंपस पे डालता हूँ, कोई भी मेरे को कंफर्म कर देना जब ओलंपस पे दिखाई दे, क्योंकि वैसे तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सब इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, कुछ मेरा बनाया हुआ है, कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ, आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको भेज दूंगा ये ठीक है। ठीक है क्लास को ही लीव करते हैं। आपका लीनियर मेजरमेंट में जो आपको दो मेथड थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में आपके फिर 5 मेथड थे, पैसोमीटर, पैडोमीटर, पैडोमीटर, पैसोमीटर, ऑडोमीटर और चेनिंग। ये जो आपके पहले वाले 4 मेथड है इनकी बस थ्योरी आपको याद करनी है। मेन जो आपका चेन है, चेन के ऊपर आपके लैब में एक्सपेरिमेंट भी है और चेन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसी तरह टेप के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं ठीक है। तो जो आपके 5 मेथड है, जो 5th मेथड है उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट है चेन और टेप, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जो 4 मेथड बचे हैं उनको बस जैसा मैंने स्लाइड में दिखाया था ना आपको इतना याद रखना है, डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिगर आप बना सको तो फिगर बना देना थ्योरी के लिए। ये न्यूमेरिकल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट या एक्सप्लेन द लीनियर मेजरमेंट इस तरीके से ठीक है। उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो 4 मेथड है कौन कौन से, आपका पेसिंग, पेडोमीटर, पेसोमीटर, ऑडोमीटर, ये ठीक है। फिर क्लास को ये लीव करते हैं। कोई डाउट हो, किसी का कुछ पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको क्या कहते हैं ओलंपस से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर मैं क्लास लीव करता हूँ।
चीजें भी क्लास को लिंक करते हैं। हेलो।